राधे राधे आप सभी को। आज हम बनाना सीखेंगे बच्चों और बड़ों सभी की फेवरेट चटपटी भेल पूरी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मुरमुरे, मूंगफली की गिरी, अगर आपके पास कच्ची हैं तो उन्हें घी में भून लीजिए, आलू भुजिया बारीक वाली, बेसन के सेम, बारीक कटा हुआ टमाटर और बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ खीरा, बिल्कुल छोटी छोटी पीस में कटी हुई प्याज, नींबू और हरे धनिया की पत्तियाँ, हरे धनिया की खट्टी चटनी, इमली की मीठी चटनी, काला नमक और चाट मसाला। तो देखिए मेरे सारे सामान तैयार कर लिए हैं मैंने, ये देखिए ये मेरे मुरमुरे, ये हरा धनिया नींबू, ये टमाटर हरी मिर्च कटे हुए, ये खीरा, ये प्याज, ये नींबू, चाट मसाला और काला नमक, ये धनिया की चटनी, ये आलू भुजिया, ये मूंगफली की गिरी, ये मैंने घी में भून ली है, ये बेसन के सेम और ये इमली की मीठी चटनी। अगर आपके पास इमली की मीठी चटनी नहीं है तो आप सॉस भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये इमली की चटनी घर पर आसानी से बन जाती है, ये इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, उसमें सबसे पहले डालते हैं मुरमुरे, उसके बाद सेम, उसके बाद भुजिया डाल दीजिए, मूंगफली की गिरी, कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च, ये खीरा। बर्तन इतना बड़ा लीजिएगा जिसमें कि हमारा सब सामान आसानी से मिक्स हो जाए। ये प्याज, ये काला नमक और चाट मसाला। सामान की क्वांटिटी आप अपने भेल के हिसाब से रखिएगा, जितनी ज़्यादा भेल होगी उतना ज़्यादा आपका सामान होगा। ये मीठी चटनी, ये धनिया की खट्टी चटनी। खट्टा, खट्टे में आपको जितना ज़्यादा खट्टा रखना है आप चटनी उसी क्वांटिटी में डालिएगा। ये नींबू, मैंने नींबू के बीज पहले ही निकाल दिए हैं, अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना है तो आप ज़्यादा नींबू डाल लीजिए। तो चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये देखने में ही इतनी सुंदर लग रही है, ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी है, बहुत अच्छा कलर आया है। और ये देखिए ये एकदम क्रिस्पी, स्पाइसी और टेस्टी है। ये लीजिए ये अब हमारी भेल तैयार है, आ जाइए आप सभी भी खा लीजिए चटपटी भेल। थैंक यू।